सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ब्यूटीफुल आज आप लग रहे हैं, दिवाली के मौके पे बहुत सुंदर आप दिखते हैं। थैंक यू। और कुछ बताना चाहिए रोहित सर के फैशन शो के लिए आप आए, मतलब सपोर्ट करने आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा रोहित को सपोर्ट करती हूँ, ही इज़ अ ब्यूटिफुल सोल एंड वो हमेशा, जब से मैं उनके साथ में हूँ वो हमेशा मेरी केयर करते हैं। मुझे फ़ोन करके बोल देंगे काला टीका लगा लो, नज़र लग जाएगी, ऐसी फ़ोटोज़ मत डाला करो इंस्टा पर, ऑल दोज थिंग्स। सो मतलब अनकंडीशनल जो प्यार है वो रोहित की तरफ से हमेशा मुझे मिला है और मेरी तरफ से भी हमेशा रोहित के लिए अनकंडीशनल लव है। एंड उनका बर्थडे हमेशा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पूरा सब फुल इंडस्ट्री कम्स टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, बिकॉज उनकी इक्वेशन सबके साथ इतनी ब्यूटिफुल है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द रैम्प शो ऑल्सो, जो कि वो हमेशा अपने बर्थडे के टाइम करते हैं। इट लुक्स ब्यूटिफुल, यू नो, कि एक ओकेजन भी हो गया, एक रैम्प शो भी हो गया, एंड ऑल एट वंस बिकम्स यू नो एक थोड़ा एक नमक एक टेस्ट आ जाता है और बर्थडे में। आई थिंक ऐसा है क्या, नहीं यार, वो प्यार करता है अपनी वाइफ से ऑब्वियसली। मैं बात कर पाऊंगी बिकॉज मैं पर्सनली नील को जानती हूँ और हम दोनों ने एक शो किया हुआ है रूप, एंड अंकिता एंड विकी उनको भी मैं जानती हूँ, उनको थोड़ा कम जानती हूँ बिकॉज मैं इवेंट्स पे ही मिली हूँ, पर उन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया। दे वर लाइक ओ डॉनल एंड यू आर फैब इन बिग बॉस 15, यू आर अ नाइस गर्ल एंड ऑल दैट थिंग दे हैव सेड। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार इतने सीनियर लोग जब आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप कुछ तो अच्छा किया होगा। सो फील्स ग्रेट दैट दे हैव लव्ड मी एंड पीपल हैव लव्ड मी। सो मैं अभी कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कुछ होंगी वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बिग बॉस के अंदर कुछ ना होता ही रहता है प्रॉब्लम, बट बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल सोल्स। नील को आप जानते हैं, शांत पर्सनैलिटी है, हाँ, लेकिन वो कैसे चले गए मुझे पता नहीं, मतलब उनकी जगह वहाँ है ही नहीं। देखो डांस अच्छा करता है, हाँ वो पहले से डांस में काफ़ी अच्छा ही है, बट वाई नॉट ट्राई ना, उसने भी सोचा होगा कि ट्राई करते हैं, वाई नॉट। बस मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो भी आप करो, जैसे भी आप हो, वो ज़िंदगी भर आपकी लाइफ में रह जाता है कि ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। सो जैसे मैं अंदर थी, आज मुझे लोग उसी पर्सनैलिटी से जानते हैं कि डॉनल बिस्ट ऐसे पूरा इंडिया ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। सो वो कभी मत भूलना, कभी आपको ऐसा ना लगे यार जो मेरी इमेज दिखाई है मैं तो वैसा हुई नहीं, वो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, बस आप जैसे हो वैसे ही रहो। ओके, खाने को लेके सचमुच की लड़ाई, मतलब सेलिब्रिटी तो काफ़ी डाइट वीट करते हैं लेकिन वहाँ हाँ। खाने के लिए लड़ाई काफ़ी हो रही, मुनावर लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अरे खाते पीते लोग हैं, जब मैं भी थी अंदर तो फिर तभी भी लड़के लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, तो मैं तो अपना भी दे देती थी, जबकि मैं ग्लूटेन एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, खाना पूरा पेट भर खाना चाहिए। महिला है जो एक्ट्रेस है ईशा मालवीय, उसकी काफ़ी डिफेम कर रहा है बिग बॉस। मैं जानती नहीं, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं जिसको जानती हूँ मैं उसी के बारे में बोल पाऊँगी, मैं जिसको नहीं जानती पर्सनली तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। ओके, वन लास्टली मैसेज टू योर फैंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग। एक साउथ फिल्म है, सो मैं अभी शूट करने गई थी, देयर इज अनदर साउथ फिल्म एक्चुअली, जो पहली वाली थी वो अभी रिलीज़ होनी बाकी है, एंड फील्स लाइक यार जैसे टीवी शोज होते हैं ना फटाफट रिलीज हो जाते हैं, फिल्म जो होती हैं वो दे टेक टाइम। हाँ यार मुझे आदत नहीं है ये टाइम की, एंड मैं सेट पे भी होती हूँ तो इट्स नॉट लाइक 9 सीन्स इन अ डे, 2 सीन्स ऐसे होता है, तो आप कुछ हाँ हर चीज़ में टाइम है, तो मुझे वो रहा नहीं जा रहा है कब रिलीज़ होगा। बट देयर इज अ सेकंड फिल्म आल्सो व्हिच आई एम डूइंग, सो अभी तो वो शूट चल ही रहा है, तो लेट्स सी जब रिलीज़ होगा सबको पता चल जाएगा। दिवाली की एक शुभकामनाएं दे दीजिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव।